सो गाइस आज हम खेलने वाले यूटिलिटी गूस गेम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा गूस का रहा ओ, 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 ओ। तो हम आ गए हैं अब बाहर। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे है नदी। तो पेड़ के नीचे से हम लोग जाएंगे पार, और सामने है साइकिल की एक घंटी, और उसके ठीक बगल में है एक पुराना सा जूता। तो चलिए जूते को उठा के चलते हैं, देखते हैं जूते से हमें किसी को जूते जूते मारना है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर है एक गेट, और इस गेट में लगी है दो कुंडी। तो कुंडी को हटा दिया, सुंडी मतलब ये गूस। तो इस कुंडी को हटाने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जूते को हम लोगों ने उठा लिया है और आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। तो हम लोग अपने पंख भी फैला सकते हैं इस गेम में, और ये हम लोग पानी में भी तैर सकते हैं। यूटिलिटी गूस गेम इस गेम का नाम है। तो हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर है एक सेब और दो सैंडविचेस, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक हम लोग के पास एक टू डू लिस्ट है। तो आज हम लोग को ये सब काम करना है, गेट इन टू द गार्डन, गेट द गार्डनर की पुवेट, स्लेट द गार्डनर कीज। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है गार्डन के अंदर, वो तो बहुत आसान है। तो ये गार्डनर आ गया भागे भागे पानी बंद करने के लिए, हम लोग गार्डन के अंदर ही चले जाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गार्डन के अंदर। गार्डनर को पता भी नहीं चला कि हम लोग गार्डन के अंदर पहुँच चुके हैं। गेट द गार्डनर कीप वेट, हमें इस गार्डनर को भिगाना है। ये काम तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन हम लोग इसे आगे भिगाएंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव आइडिया। ये हम लोगों ने उठाया गार्डनर का गाजर। ओए चलो, गार्डनर हम लोग की तरफ देख रहा है, और हम लोग यहाँ से सीधा भाग जाएंगे नदी में। और शायद अगर गार्डनर हमारे पीछे पीछे आए तो भींग गया। हम लोगों ने गार्डनर को भींगा दिया। अब अपना अगला टास्क की तरफ पढ़ते हैं। अगला टास्क है हम लोग का, अब हम लोग को गार्डनर्स की, अब हम लोग को गार्डनर का की लेना है। ये बहुत इजी टास्क लगता है, इससे भला कौन डरेगा। ये इसके पीछे जा रहे, अरे यार की ले दे, की इस बार इससे की ले लेंगे। की गजब का इंसान है, की इस बार हम लोग आगे जा रहे हैं, इस बार इसका की ले ही लेंगे। अरे यार की लेने थे की, अरे भाई एक थोड़ा सा के लिए की दे दे उधार पे, लेके भाग नहीं जाऊंगा। हम लोगों को मिल चुका है इसका की। चलिए हमारा एक और टास्क हो गया। अब हम लोग का अगला टास्क है, मेक द गार्डनर वेयर हिज सन हैट। अब हम लोग को इसका सन हैट पहनाना है। उसके लिए आखिर इसका हैट चाहिए होगा हमें, सन हैट। तो सन हैट पाने के लिए हम लोग को सन हैट लेने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस फ्रीज़र को उठा के हम लोग वहाँ पर रख देते हैं। नहीं, यह मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये फ्रीज़र मुझे दे दे गार्डनर। हम लोग को तो ये गार्डनर फ्रीज़र लेने दे रहा नहीं है, इस गार्डनर का कुछ करना पड़ेगा। भाई साहब इसका जूता लेके भागते हैं, ये जूता। अरे यार यही जूता तो वहाँ पर भी पड़ा था। लगता है गार्डनर के पास गार्डनर का पहला वाला एक जूता ख़राब हो गया होगा, वो वहाँ पर फेंक दिया होगा। अब क्या करेगा, जूते लेके, ये जूता हम ही को दे दो। भाई साहब तेरे पास तो पहले से एक जूता है, इस गरीब को एक जूता दे दो। तो चलिए इस गेट को बंद कर देते, देखते क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, हम लोग उस गार्डनर से उसका जूता लेके ही रहेंगे। हम लोग गार्डनर को सनहट पहनाना है। ये चाबी लेके हम लोग भागते हैं, कहाँ तक भागेंगे चाबी लेके। हम लोग गार्डनर को पहनाना है सनहट। अरे यहाँ पर तो एक गुलाब पड़ा है। आई हैव अ आइडिया, फिर से
इस गुलाब को निकाल देता हूँ। उसके बाद अब देखते हैं गार्डनर सनेट अपना कैसे नहीं पहनता है। गार्डनर वही आर्टनर गुलाब। ओहो गार्डनर के पास गुलाब है। तो अब गार्डनर आगे बढ़ के इस गुलाब को वहाँ पर लगाएगा। तब तक मैं इसका ये जो हैट है ये ले लूँगा। ये रोमांटिक स्टाइल में लगा रहा था गुलाब को। अरे यार इसने तो मुझसे हैट वापस ले लिया। फिर से मुझे ये मेहनत करना पड़ेगा। हाँ इस बार इसका हैट मेरा। गार्डनर ये हैट मुझे दे दे। ये ले लिया हैट और चलो भागो 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 भाग भाग भाग। इस छोटे छोटे पैर इतने तेज नहीं भाग पाएंगे इस गार्डनर जितने। अरे यार यू कैन टर्न क्विकली इफ़ यू स्टॉप रनिंग। मतलब तो नहीं समझ में आया। कोई नहीं इस बार ट्राई करते हैं। ये फिर से इसका हैट ले लिया। भागते हैं भागो 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 भागो। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ये फार्मर के आने से पहले हम लोग हैट को यहाँ झाड़ियों में छुपा देते हैं जिससे ये फार्मर ढूंढ ही नहीं पाएगा हैट को। कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फार्मर आहा फार्मर अपना सन हैट पहन लेगा। अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या यार डिस्टर्ब कर दिया मैंने फार्मर को। तो ये फार्मर ने पहन लिया अपना सन हैट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वैक क्वैक। अरे लती अभी मैं घुमा के दूंगा ना टकला। गार्डनर वैसे टकलू है। अरे यार यहाँ तो सीमेंट से बंद है। ये वाला रास्ता है कि यहाँ पर वो रहा रास्ता। इसका बस हमें ये बास्केट लेके यहाँ पर रख देते हैं। ओए ओए ओए। अरे मदद ही तो कर रहा था। बास्केट यहीं पर तो रख रहा था। कोई नहीं इसको हमारी मदद नहीं चाहिए। तो ये हम इसका सीमेंट उठाते हैं और वहाँ पर रख देते हैं सीमेंट। अरे यार थोड़ा सा तो मदद करने दे। ये दोबारा छेद को नहीं बंद किया। चलिए हाँ मुझे तो लगा था कि गार्डनर सीमेंट के इससे दोबारा छेद को बंद कर देगा। ये इसका पत्ता गोभी के साथ हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। तो पत्ता गोभी के साथ फुटबॉल कौन कौन खेलेगा। हे गार्डनर फुटबॉल खेलेगा। हे लात मारेगा टकला फोड़ दूंगा। तो ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस गार्डनर को छोड़ते हैं यहाँ से। एक रास्ता वहाँ से निकलेंगे। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर हमें ये गार्डनर का की मिल जाए और हम लोग अगर बाहर चले जाए तो ये गार्डनर तो अंदर लॉक ही हो जाएगा ना। ट्राई करके देखता हूँ। गार्डनर अपना की मुझे दे दे। हेलो ये गार्डनर गया। गार्डनर गया की लिया। भागो भाग 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 भाग। पहुंच गया पहुंच गया। बाहर 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 या। अब गार्डनर अंदर ही लॉक हो चुका है। इसका की यहाँ फेंको। तो गाइस फाइनली हमने गार्डनर को गार्डन के अंदर ही लॉक कर दिया। अब क्या देख क्या रहा है। तेरा की तुझे वापस कभी नहीं मिलेगा। इस गार्डनर को इसका की चाहिए। हमारा अगला टास्क है हमें ये सब चीज़ें इकट्ठा करनी है। हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बास्केट। हमें रेडियो भी चाहिए ना। रेडियो पहले मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। रेडियो सब आ जाते रहता है हमेशा। चलिए रेडियो को हम लोग ले जाके रख देते हैं यहाँ पिकनिक मैट के आगे। पिकनिक वाली ये क्लॉथ के ऊपर रख देते हैं रेडियो को ले जाके। लेकिन ये रेडियो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है। कोई नहीं कोई नहीं। अब हम लोग को चाहिए होगा अगला सामान। जो चाहिए हम लोग को वो है एक कद्दू। कद्दू इस गार्डनर का नज़र आने से पहले हम लोग ये कद्दू लेके भाग जाते हैं। हाँ ये कद्दू हमें दे दे गार्डनर। तो ये कद्दू हमारा हो गया। कद्दू जी चलिए हमारी शॉट। ये कद्दू यहाँ पर फंस रहा है। तो
तो ये कद्दू हमने ले लिया गार्डनर से ही, कद्दू लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कद्दू गार्डनर हमें देखते रह जाएगा, हम उसके कद्दू लेके चले जाएंगे, क्या कर लेगा गार्डनर। तो कद्दू लेके हम लोग आगे बढ़ गए। अब हम लोग इस कद्दू को भी यहाँ पर रख देते हैं। तो कद्दू को भी यहाँ पर हमने रख दिया। अब हम लोग ले ले अब हम लोग का अगला सामान जो हम लोग को चाहिए वो है एक एप्पल। ईट अ एप्पल एंड गेट डॉक्टर फार अवे, जो भी वो कहानी है हम नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर सुने कि एक एप्पल रोज़ खाने से डॉक्टर से दूर रहते हैं। पर गूस गूस को डॉक्टर की क्या ज़रूरत। तो हम लोग ने सैंडविच ले लिया, वैसे हम लोग को लेना था एप्पल लेकिन सैंडविच भी उठा ही लिया। ये रेडियो सचमुच का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पानी में डालने से रेडियो ख़राब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है। तो अब हम लोग को चाहिए एक और सैंडविच और एक एप्पल भी। तो हम लोग चलते अगला सैंडविच लेने के लिए। तो यहाँ से उठा लिए ये एप्पल और आगे बढ़ते हैं हम लोग, पानी के रास्ते से स्पीड में जाएंगे। वैसे इस एप्पल को भिंगा भी दिया। या स्पीड सल्लू भाई जितना स्पीड। हाय मैं अमिताभ बच्चन, ये सेब कौन खाएगा। हाय ये सेब को उठाओ और रख दो यहाँ पर। और ये हमने रखा एप्पल और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सैंडविच लेने के लिए। शी शान शी सैंडविच का तो कुछ नहीं है, बास्केट लेके ही चलते। वैसे भी स्टार्टिंग में बास्केट ही हम लोग को रखना था। तो ये हम लोग खींच के ले जा रहे हैं। बास्केट बहुत भारी है, इतनी भारी बास्केट मैंने आज तक कभी नहीं देखी जितनी भारी बास्केट ये है। एक घूस से एक लोग कितना काम करवाएंगे, बेचारा आ मासूम जानवर को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। काम के बदले में मुझे 150 रुपया देगा। रुपया चाहिए, 150 रुपया भी काम के बदले में मिल जाएगा तो बहुत है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग को चाहिए बाकी का सामान जो जो हम लोगों से काम करवाया जा रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ के जा रहे हैं अंदर फार्म के, और फार्म के अंदर जाके इस फार्मर के पीछे जाके अब हम लोग क्या ये फार्मर आके देख क्या रहे। बस वहाँ एक गाजर उठा लेते हैं और गाजर लेके चल रहे। सल्लू भाई को गाजर खाने का मन है। इस बतख का नाम ही सल्लू भाई है। हाय हाय यू सल्लू भाई से डरो, डरो सल्लू भाई से। हाय यू। तो गाजर उठा के हम लोग चलते आगे, सल्लू भाई को गाजर खाने का मन है। हाय यू यू फ्लैश मैन, सल्लू भाई से डरो। हाय। तो यहाँ से हम लोग उठा लेते गाजर, गाजर उठा लेते गाजर। वैसे गाइस आप ये बात सीरियस मत ले लीजिएगा कि इस बतख का नाम मैंने सल्लू भाई लग गया। वो मेरी भी बहुत बड़े सुपरस्टार है, मैं भी उनका बहुत बड़ा वाला पंखा हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ। तो बस मैंने ऐसे ही मजाक में कर दिया सल्लू भाई ये बतख का नाम है। वैसे भी इस बतख के सिक्स पैक्स बहुत बढ़िया है, दिखते नहीं है लेकिन है बढ़िया। हाय यू हाय ओए फार्मर, तेरा ये खेत मैं बर्बाद कर दूंगा, मेरे मेरा गाजर दे दे। यहाँ से हम एक गाजर उठाते, इस फार्मर फिर से पकड़ा गया है। यहाँ से एक गाजर उठाते और हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे और इस गाजर को भी उस जगह रख के आएंगे, उस जगह रख देंगे जहाँ हमने बाकी का सामान रखा है। तो इस गाजर को लेके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हे फार्मर फार्मर, वो फार्मर मुझे नहीं पकड़ सकता। तो यहाँ पर हम गाजर को भी रख देंगे और अब हम लोग आगे डालते हैं। और अब हम लोग को बस चाहिए जैम और थर्मस। जैम जैम, अब हम लोग को बस जैम और थर्मस चाहिए, थर्मस। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जैम उठाते हैं। जैम उठाने से पहले ही हम लोग इसका पत्ता गोभी लेके जाएंगे। हे फार्मर फार्मर फार्मर,
तो यहाँ से इसका एक और कद्दू उठा के हम लोग खेत बर्बाद कर देंगे, इसका सारा खेत। इसका खेत मैं इसलिए बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे 3-4 बार लाते मारी। अब इसका खेत क्या काम से, इसका ये गुलाब मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। अभी हम लोग को जैम और थॉर्मर्स भी चाहिए, वो बाद में लेंगे, पहले इसका खेत का सत्यानाश कर देंगे। हे फार्मर, फार्मर, इसके सारे गाजरों को उठा के फेंक दूंगा मैं। ये फार्मर आ गया, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो लात मारेगा तू मुझे, लात मारेगा। ए फार्मर, मैं भी एक बतख हूँ, मैं इस फार्मर को बाद में देखूंगा, पहले तो मैं जाके जैम और थर्मस ले लेता हूँ। जैम उठाया और यहाँ से निकलते हैं। अब इस फार्मर को तो मैं बाद में लात मारूंगा, फिलहाल ये जैम लेके हम लोग आगे बढ़ते। पैसे ले लो, जैम दे दो, मैं तुझे कोई पैसा नहीं देने वाला इस जैम के बदले में। हो ये जैम लेके हम लोग पानी के रास्ते आगे बढ़ रहे, पानी के रास्ते हम लोग आगे बढ़ रहे। तो आगे चलते हैं इस तरफ, नहीं 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 दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जूता है, इस जूते से मैं उस फार्मर को जूते जूते मारूँगा। सच बोल रहा हूँ, मैं उस जूते से फार्मर को जूते जूते मारूँगा। अब हम लोग को चाहिए और थर्मस, थर्मस। तो चलिए फिर से चलते हैं फार्मर के खेत के अंदर और हम लोग वहाँ से लेके आते हैं थर्मस अपने पिकनिक के लिए। तो हमारा डक सिंह, डक सिंघानिया, डक सिंघासा अंदर आ चुका है। इसका नाम डक सिंह है। तो डक सिंह रोज लेके फार्मर का उधर वो कर दिया। और ये मैं पानी खोलूँ या फिर सेब लूँ या थर्मस, थर्मस लेना है डक सिंह को। अरे यार इसे छोड़ो, थर्मस पकड़ो डक सिंह। ये मिस्टर डक सिंह पिकनिक करेगा मिसेस डक सिंह के साथ, लेकिन मिसेस डक सिंह मुझे नहीं पता कहाँ है। फिलहाल तो ये थर्मस लेके हम लोग वेट करेंगे पिकनिक करने के लिए मिसेस डक का। मिस्टर डक चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मिस्टर डक। हम इसे मिस्टर डक ही बुलाएंगे ना कि डोनाल्ड डक। तो ये हम लोग थर्मस लेके आगे बढ़ रहे, ये तेज़ी से भागते हुए थर्मस लेके। और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं ये थर्मस भी। हमारा पिकनिक का सारा सामान पूरा हुआ, बस मिसेस डक को बुलाने की बारी है। एक नया टास्क आया है, अब हमें उस फार्मर के हाथ पर हथौड़ा मारना है। चलो बदला लेने का मौका मिलेगा, लेकिन हम लोग आखिर ये करेंगे कैसे, मेरे पास ना ही हथौड़ा है ना ही हाथ। उस फार्मर के पास तो हाथ है ना, तो हम उसी के हाथ से उसी को हथौड़ा लगवाएंगे। फिलहाल तो यहाँ का कुछ मिसिंग है भाई साहब, फार्मर का वो की कहाँ गया, फार्मर का वो की कहाँ गया। मैंने तो यही पर फेंका था फार्मर का वो की, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। मिस्टर फार्मर, कहाँ है वो फार्मर का बच्चा बोरा। सॉरी मैंने तेरा की भुला दिया फार्मर, कोई नहीं छोड़ो। अरे व्हाट इज दिस, नो डक साइन। मिस्टर डक को ये बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कोई डक के ऊपर इतना। इस डक साइन को मैं फार्मर के पास ले जाके उससे सवाल करूँगा कि आखिर उसने साइन को लाया कहाँ से और आखिर उसने साइन को लगाया कहाँ से। हे फार्मर, फार्मर, ओए फार्मर, हट। फार्मर हमें फिर से लात मार रहा है, लगता है ये किसी के गम में डूबा हुआ है। कोई नहीं फार्मर, समझता हूँ, एक बतख हूँ लेकिन तब भी जज्बातों को समझता हूँ। चलो फार्मर ये साइन लो, इस साइन को कहाँ से लाया बताया, बता इस साइन को कहाँ से लाया। इस साइन को ले जाके मैं फार्मर के सर पे फोड़ूंगा।
चलो मिस्टर डॉक काम में लग जाओ। रे फार्मर, ये साइन कहाँ से लाया? इसके गाजर को मैं फेंक दूंगा यहीं पर, बास्केट के अंदर डालूंगा गाजर को। मैं काम करता हूँ, मैं एक मेहनती डक हूँ, डक। वैसे तो मैं गूस हूँ लेकिन तब भी डक सही है। इसके ऊपर डाल देता हूँ। नहीं 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 इसके अंदर, इसके अंदर बास्केट डालो। इसके अंदर और जाता ही नहीं है बास्केट। अरे यार कैरेट को मैं बास्केट क्यों बोल रहा हूँ? इसके अंदर गाजर तो गया ही नहीं। हे गाजर अंदर जाओ गाजर। ये क्या है? एक पॉट। चलो इस पॉट को यहाँ भर लाता हूँ और इसके अंदर पानी भरता हूँ और पेड़ों को पानी भी देता हूँ। फिलहाल तो मुझे उस फार्मर से एक सवाल करना है कि आखिर उसने कैसे कैसे आखिर उसने एक टक नो टक साइन लगा दिया। उस फार्मर को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल तो मैं इसके अंदर पानी भरने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इस टक से ऐसा नहीं हो पा रहा। इसे पानी यहीं पर खोलो। फार्मर फार्मर वेयर आर यू? इसके अंदर तो पानी अब भरा नहीं चल रहा। अब हमें उस फार्मर को ढूंढ के उससे सवाल करना है कि आखिर उसने कैसे नो डक का साइन लगा दिया। उस फार्मर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हे हे आखिर नो डक का साइन आखिर तुमने लगाया कैसे? हैं कैसे लगा दिया तुमने आखिरकार नो डक का साइन? ये साइन तुमने आखिर कैसे लगा दिया? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं डक ना अलाउड हो। अपने गम को छोड़ और मेरे सवाल का उत्तर चाहिए। मुझे आंसर चाहिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर। हे नो डक का साइन, मुझे आंसर चाहिए। मुझे नो डक का साइन नहीं चाहिए। ये रोज़ ले और जा जिस गम में डूबा हुआ है उस गम को दूर कर। हाय मुझे आंसर चाहिए। हेलो कोई सुन रहा है? हेलो। अरे यार क्या इसको हो जाता है कभी कभी। आखिरकार इस ये फार्मर सदमा से बाहर आ गया। यहाँ क्या ढूंढ रहा है? ये रोज़ मुझे दे दे। वैसे तुम पहले मुझे आंसर दोगी, आखिर तुमने ये नो डक का साइन लगा कैसे दिया? रुक के कहाँ भाग गया? रोज तो ये फेंक दिया। होए नो डक का साइन आखिर तुमने लगाया कैसे? नो डक का साइन आखिर तुमने लगाया कैसे? कैसे लगा दिया नो डक का साइन? कैसे लगा दिया? एक सेकंड फिर से लगा रहा है। अब मैं इसे सबक सिखाने वाला हूँ। एक दो तीन। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारे अगले ब्रांड न्यू गेमिंग एपिसोड में। कौन 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 कौन